अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बताऊंगा ये स्विमिंग पूल में क्लोर कितना है, केमिकल के बारे में आज मैं बताऊंगा आप लोगों को कि इसमें क्लोर कितना है और एसिड कितना है। सही है, आज हम इसको टेस्ट करेगा। वो जो किट होता है ना, एक किस्म का किट होता है, उसमें आप लोगों को हम बताएगा। ये देखो, ये हमारे साथ किट है, ये देखो ये किट है। इसमें हम बताएगा आप लोगों को कि आज हम इसमें क्लोर चेक करेगा, एसिड चेक करेगा। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो पूरा देखे करें, जो हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ आए कि हम क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग वीडियो पूरा देख ले। ये देखो, इसमें एक साइड पे है एसिड और दूसरे साइड पे है क्लोरीन। तो देखो, ये हम चेक करता है इसमें कौन कौन से ड्रॉप डाले जाते हैं। ये एक ड्रॉप इस साइड पे मैंने रखा और उस साइड पे मैं दो रखूँगा, एक ये रख दिया, एक दूसरा छोटा दूसरा है वो रखूँगा। देखो ये, तो एक साइड में सिर्फ एक डालता है, सही है, और दूसरे साइड में दो डालते हैं। ये दो किसी काम का नहीं है, छोड़ दो, ये आप लोगों के काम का नहीं है। जिस हमारा काम सिर्फ इन तीनों से है, सही है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखे तो आप लोग समझ आए कि हम पानी को किस तरह चेक करता है कि इसमें क्लोर कितना है और एसिड कितना है। ये देखो, मैंने उंगलियाँ रखी, आपने 20 सेंटे नीचे से पानी लेना है, ऊपर सर से नहीं लेना। बाज़ लोग ऊपर से लेता है तो ऊपर से तो पता नहीं चलता। देखो, ये अभी मैं धो लेता हूँ और मैं पानी लूँगा नीचे से, 20 सेंटे नीचे से, 20 सेंटे नीचे से मैं लूँगा पानी। देखो, ये मैं पानी ले रहा हूँ नीचे से, ये 20 सेंटे पानी मैंने लिया, नीचे से पानी लिया। इसका ये लेवल पूरा बताएगा। देखो, ये लेवल है, ये लेवल है, इससे पानी नीचे नहीं करना है ना ऊपर करना है। ये लेवल दिया हुआ कंपनी वालों ने, जो शिरका होता है, कंपनी होता है, उसकी साइड से ये लेवल होता है ना। ये दूसरा लेवल भी बराबर करना पड़ता है। देखो, ये क्लोर का, ये क्लोर की साइड है, ये साइड वाला। तो आप पूरा वीडियो देखो ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बाज़ लोग फिर बाज़ दोस्तों को फिर समझ नहीं आता ना। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए तो हमारा नंबर है, हमारे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो, नेट पे आप SMS से हर चीज़ पे तुम आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हो। ये है, ये डालना है तकरीबन 5 ड्रॉप, सही है, ये डालना है 5 ड्रॉप। देखो, मैं अभी डालूँगा 5 5 ड्रॉप एक में डालूँगा। देखो, ये हो गया 5 ड्रॉप, ये 5 ड्रॉप मैंने डाल दिया इसमें, और अब देख लेगा ये दूसरा ना, दूसरा है, दूसरा में जो छोटा बोतल है ना, वो जो आपको नज़र आ रहा है, ये छोटा, ये 1 ड्रॉप है, ये 4, ये 5 ड्रॉप तो हो गया। ये जो अभी अभी मैंने उठाया ना, ये 1 ड्रॉप है, ये 1 ड्रॉप डालना है बस, ये वाला 1 ड्रॉप डालना है, सही है। ये देखो, ये मैंने 1 ड्रॉप डाल दिया बस। इसकी 1 ड्रॉप ये बहुत है इसमें, सही है। इसको बंद करके इसके बाद आपने उठाना है दूसरा, ये है, ये 5 ड्रॉप डालना है, सही है, ये 5 ड्रॉप डालना है आप लोगों ने, जिस तरह मैंने पहले डाला ना 5 ड्रॉप, इस तरह ये भी 5 ड्रॉप है। 1 2 3 4 5 बस, ये 5 ड्रॉप हो गए इसमें, सही है। अब इसके बाद हम इस पे ढक्कन बंद करेगा, इसको रखेगा, सही है। आप लोग
वीडियो पूरा देख ले। जिस जगह पे आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग हमसे नेट से रابطہ कर सकते हैं, मोबाइल से رابطہ कर सकते हैं, SMS से, व्हाट्सएप से رابطہ कर सकते हैं, सही है। इसको हम आप भी हिलाएंगे, सही है। तकरीबन 2 मिनट तक आप इसको रख दे, सही है, 1 मिनट तक रख दे बस। ये देखो हम हिलाएगा भी, हम हिलाएगा भी, आप लोगों को समझाएगा कि इसमें क्लोर और एसिड चेक करेगा, सही है। ये देखो कि हमारा जो है ना स्विमिंग पूल थोड़ा बड़ा है ना, तो इसमें क्लोर भी ज़्यादा लगता है, एसिड भी ज़्यादा लगता है। इसमें देखो क्लोर बराबर है, देखो एसिड भी बराबर है, क्लोर भी बराबर है, सही है, इसमें दोनों बराबर है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो इसमें दोनों बराबर है तो इसलिए तो पानी भी साफ़ है ना, देखो पानी देखो कितना साफ़ सुथरा है। आगे मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि कितना केमिकल डालना है, कितना क्लोर डालना है, कितने दिन के बाद क्लोर डालना है, कितने दिन के बाद एसिड डालना है, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएगा, सही है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो पूरा देखें ताकि आप लोगों को समझ आए। इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि कितना क्लोर डालना है, कितने स्विमिंग पूल हो। ये हमारा स्विमिंग पूल थोड़ा बड़ा है ना, पानी ज़्यादा है तो इसमें हमने ऐसे ज़्यादा क्लोर डालता है, लेकिन वो भी 2-3 दिन के बाद। ये नहीं है कि तुम हर रोज़ क्लोर डालो, हर रोज़ एसिड डालो, नहीं, एक दिन एक चीज़ डालना है, कभी भी 2 डबल मत डालना, सही है। तो हमारा जो है ना आप लोग मेहरबानी करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, सही है, लाइक कर दे, शेयर कर दे, सही है, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। तो ये तो आप लोगों को आज हमने बता दिया किट के बारे में। ये किट है, ये टेस्टर, जिस तरह बिजली टेस्ट करता है, टेस्टर होता है, तो इसलिए पानी का इससे चेक होता है। तो ये था, हाँ इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम आपको बताएगा कि क्लोर कितना डालना है और एसिड कितना डालना है, और एक और है जिसको बोलता है एलजी कंट्रोल, वो कितना डालना है, सही है। तो इससे आप लोगों का पानी कभी भी ख़राब नहीं होगा, सही है। चलो ठीक है, अल्लाह हमें इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो पे इंशाल्लाह मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।